بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم। मोहतरमा पर्दा नशीन ख़वातीन और मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को दीन की निस्बत पर यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई। आज का ये जमा होना इस निस्बत पर है कि हमारे सामने चंद दिनों में एक बहुत ही बाबरकत और खैर बरकत वाला महीना आने वाला है। इस महीने की हम क्या तैयारी कर सकते हैं और इस बाबरकत महीना जिसको हम सब रमज़ानुल मुबारक का महीना कहते हैं, उस महीने को हम कैसे गुजारेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल जाना ये कमाल की बात नहीं है, असल कमाल ये है कि उस महीने से हम फ़ायदा हासिल करें। रमज़ानुल मुबारक के महीने के एक एक लम्हे को कीमती समझें, उसके शबो रोज़ दिन और रात को किस तरह इबादतों के अंदर हम तब्दील करें, ये असल चीज़ है। इसीलिए हदीस शरीफ में बात मिलती है, हज़रत अनस रदी अल्लाहु अन्हु सहाबाए किराम के मामूल को बयान करते हुए ये बयान फरमाते हैं कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही अलैहिम अजमाइन की यह आदत शरीफ़ थी कि शाबान के महीने से ही वो कुरान को पकड़ लेते थे। कुरान शरीफ बहुत कसरत के साथ उसकी तिलावत किया करते थे। लेकिन आज उम्मत का हाल ये है कि हम लोग तो ये सोचते हैं कि कब रमज़ान का चांद नज़र आए, और जब रमज़ान का चांद नज़र आएगा उसके बाद हम अपने आप को इबादत में लगाएंगे। जबकि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही अलैहिम अजमाइन शाबान के महीने से अपने आप को तैयार कर लेते थे, बल्कि ख़ुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने से सहाबा की जहन साजी करते थे, सहाबा को मेंटली तौर पर तैयार करते थे कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा महीना आने वाला है, कौन तुम्हारा इस्तकबाल करने वाला है और तुम किसका इस्तकबाल करने वाले हो। यानी रमज़ान का एक बहुत ही अजीम और बाबरकत महीना आने वाला है। इसीलिए हमारे जो सलफ़े सालहीन और हमारे जो उम्मत के जो बुज़ुर्गान दीन है उनके बारे में लिखा है कि बहुत से ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक से 6 महीने पहले अल्लाह से दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह हमें जो है रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमा दे। क्या शौक, क्या जज्बा और क्या वलवला था कि ये लोग 6 महीने पहले अल्लाह से दुआओं में लग जाते थे कि अल्लाह रमज़ान मुझे नसीब कर देना, कहीं मुझे महरूम ना कर देना। महरूम होने का मतलब ये है कि एक आदमी रमज़ानुल मुबारक का महीना हासिल कर रहा है लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं है, वो मौका नहीं है। जैसे एक आदमी बीमार हो गया और बीमारी की वजह से बिस्तर मर्ज़ पर आ गया और ये ज़िंदा होने की हालत में एक ज़िंदा लाश की तरह है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तो पा लिया लेकिन उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो रमज़ानुल मुबारक को इबादत में तब्दील करके अपना वक्त जो है इबादतों में लगाकर उसके सवाब को हासिल करे। या हो सकता है कि रमज़ान से पहले इंसान का इंतकाल हो जाए और वो अल्लाह को प्यारा हो जाए। तो ये हमारे सलफ़े सालहीन और हमारे जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं वो इस तरह अल्लाह ताला से रमज़ान से 6 महीने पहले दुआओं में अपने आप को अल्लाह से आजीज़ी और इल्तिजा और दरख्वास्त किया करते थे कि अल्लाह हमको रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा दे।
और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो जाता था उसके बाद 5 महीने तक अल्लाह ताला से आहोजारी करके कहते थे, या अल्लाह हमने रमज़ान में जो रोज़े रखे अल्लाह तो उसे कबूल फरमा ले। अब हम सोचे मेरी माँ और बहनें कि हमारा रमज़ानुल मुबारक का क्या शेड्यूल होता है, क्या हम अपने वक्त को किस तरह मतलब उसको यानी तरतीब बनाकर किस तरह पूरे महीने के वो गुजारते हैं। आज की इस मजलिस का मकसद ही यही है कि हमें रमज़ानुल मुबारक में अपने शेड्यूल को बनाना होगा, अपने कामकाज को आगे पीछे करना है, और ख़ास तौर पर इफ्तार के मौके पर एंड इफ्तार से कुछ वक्त पहले जो है इफ्तारी के लिए जो सामान तैयार किया जाता है उसमें अपने आप को लगाना बहुत अहम और इम्पोर्टेंट समझा जाता है। हालांकि इस मौके पर खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इन्नल सौइम इंदल फितरी दावतन ला तुरद्दु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ेदार के लिए इफ्तार के मौके पर ऐसी दुआ कबूल होती है कि और दुआ कभी रद्द नहीं होती है। वो इतना इम्पोर्टेंट वक्त है कि उस वक्त में हमें दुआओं में अपने आप अपने वक्त को लगाने की ज़रूरत है। इसलिए जो इफ्तार के तैयारी के लिए जो मतलब जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो कुछ पहले तैयार कर ली जाए और इफ्तार से 10-15 मिनट पहले अपने आप को तमाम कामों से फारिग करके अपने आप को ये दुआ की इबादत में अपने आप को लगा देना चाहिए। ये वो मौका है जहाँ रोज़दार को अल्लाह ताला जो है उसकी रोज़ा रखने की बदौलत जो है उसको एक इनाम से नवाजते हैं, और वो इनाम ये है कि रोज़ेदार की दुआ कभी रद्द नहीं होती, उसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो वो तो अल्लाह को राज़ी करने और मनाने का वक्त होता है, तो बजाय अल्लाह को राज़ी करने और मनाने के जो है हम अपनी इफ्तार की चीज़ों को बनाने में अपने वक्त को ज़ाय कर देते हैं। रमज़ान का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है। रमज़ान का महीना एक मेहमान की तरह है। बहुत से बुज़ुर्ग फरमाते हैं रमज़ान का महीना एक ऐसे मेहमान की तरह है जैसे एक बड़ा मेहमान आने वाला हो। हमारे घर के अंदर अगर किसी आलिम दीन का आना हो जाए और वो भी बहुत बड़े आलिम दीन हो बुज़ुर्ग, और उनका हमारे घर में दावत का प्रोग्राम रखा गया हो, हम अगले दिन से उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं कि मौलाना आने वाले हैं, इनको क्या खिलाएंगे, कैसा खिलाएंगे, किस तरह बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, उसके लिए जो है एक ऐसी तरतीब होती है और इतनी जो है उसके लिए दौड़म दौड़ होती है कि बस किसी तरह हमारे आने वाले मेहमान जो है हमारी मेहमान नवाजी से खुश हो जाए, हमारे दस्तरखान से खुश हो जाए, हमारी खिदमत से खुश हो जाए। ठीक इसी तरह हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये रमज़ान का महीना एक बड़े मेहमान की तरह है, तो उसकी तैयारी और इस महीने का और इस मेहमान का इस्तकबाल भी जो है हमें बड़े पैमाने के तौर पर करना है। और वो बड़ा पैमाना क्या है कि रमज़ानुल मुबारक को कैसे जो है हम गुजारेंगे, रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले रमज़ान में जो चीज़ें करनी है उसका अभी से अपने अंदर शौक़ और जज्बा और उसके करने की फ़िक्र और आदत और अपने नफ्स को जो है तैयार करना, ख़ास तौर पर 5 वक्ती नमाजों का अहतमाम, 5 वक्ती की नमाजों का अहतमाम अभी से हम शुरू कर दें। रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर ख़ास तौर पर जो है नमाज़ों की पाबंदी, तो अभी से रमज़ान से पहले नमाज़ों की पाबंदी शुरू करना। दूसरा, कुरान शरीफ़ की तिलावत का अहतमाम। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान शरीफ़ का दौर किया करते थे। तो रमज़ान से पहले तिलावत के लिए अपने वक्त को फारिग करना और कम से कम रोज़ाना 1 पारे की तिलावत को पाबंदी के साथ करना, ये मेरी माँ और बहनों ये हमारे लिए बड़ी जो है हिदायत का ज़रिया, घरों में खैर बरकत का ज़रिया और अल्लाह को राज़ी करने वाली चीज़ है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में जैसे दुआएं कबूल होती है, ठीक इसी तरह रमज़ान से पहले भी जो है हम अपने आप को दुआओं के लिए अपने वक्त को फारिग करें। जैसे मग़रिब से पहले दुआएँ कबूल होती है, मगरिब से अजान से पहले मुसल्ला बिछा कर जो है अल्लाह से लौ लगाना और अल्लाह के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से मगफिरत को तलब करना, इसकी आदत बनाने की ज़रूरत है। सुबह शाम की तस्बीह की पाबंदी करने की ज़रूरत है।
लेकिन आज हमारी नौजवान माँ बहनों के पास सिर्फ मोबाइल है और उसके पीछे जो है अपने आप को ऐसी पागल बना देती है कि अल्लाह बस अल्लाह इस फितने से हिफाजत फरमाए। रमजानुल मुबारक के महीना, उसमें सबसे अहम जो इबादत होती है वो रोजे की इबादत है। ये रोज़ा जो है अल्लाह से मोहब्बत का ज़रिया है, ये रोज़ा जो है अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का एक वाहिद ज़रिया है। और इस रोज़े के ज़रिए जो है हमारी तरबियत होती है कि एक अल्लाह से हमें कितनी मोहब्बत है, उस अल्लाह के हुक्म का हम पालन करते हैं और उसको बजा लाते हैं और रोज़ा रखते हैं, पूरा दिन हम भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमसे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाए। फिर रोजे की हालत में इंसान के लिए अपने आंखों की हिफाजत करना बहुत आसान। देखो आमतौर पर हमारे बिल्कुल जो ऐसे बेदीन किस्म के मुसलमान होते हैं उनके घरों के अंदर भी जो टीवी होती है तो उस टीवी के ऊपर रमज़ान के अंदर जो है चादर डाल दी जाती है, रुमाल डाल दिया जाता है, क्योंकि भाई रमज़ान में शैतान को चालू नहीं करना है। एक रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला हमारी आंखों की हिफाजत कर लेता है कि उस आंखों से हम गलत चीज़ देखना गवारा नहीं करते। इस रोज़े की बरकत से हमारे कानों की हिफाजत हो जाती है कि हमारे कान गलत सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसे आम दिनों में लोग गाने सुनते हैं, घरों में गाने बजाते हैं और बहुत से घरों की आदत होती है, हमारी मस्तूरात का कहना है कि घर का कामकाज करना बहुत जो है मुश्किल मालूम होता है अगर कोई म्यूज़िक वगैरह ना चलाया जाए तो। घरों में गाने बजते हैं लेकिन वही रमज़ान के अंदर अल्लाह की तरफ से ऐसी हिदायत मिल जाती है कि रोज़ा रखने के साथ साथ हमारे कान गलत सुनने के लिए तैयार नहीं होते जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हो जाए। तो गानों को सुनने से बचना आसान, आँखों की हिफाजत करना आसान, अपने दिल की हिफाजत करना आसान और जिस्म के दूसरे अज़ा को गलत जगह पर इस्तेमाल करने से अपने आप को बचाना आसान हो जाता है। यही अल्लाह ताला उम्मत के तमाम लोगों कि रोजे की वजह से अल्लाह तरबियत फरमाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह आम दिनों में जो है गीबत करना, किसी की बुराई बयान करना, किसी के ऐप को बयान करना, झूठ बोलना, ये कबीरा गुनाहों में से इससे बचना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है, लेकिन रमज़ान के अंदर रोजे की हालत में किसी की गीबत करना ये तो बहुत बुरा है। बाज़ उलमा के नज़दीक तो रोज़ा फासिद हो जाता है और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो मर्द या औरत रोज़े की हालत में किसी की गीबत करे अल्लाह ताला उसके रोज़े के ऊपर जो अजर व सवाब मिलने वाला होता है वो अजर व सवाब में कमी कर देते हैं, मकरूह हो जाता है उसका रोज़ा। इसलिए मेरी माँ और बहनें, हम रमज़ानुल मुबारक के महीने को शुरू होने से पहले अपनी आँखों की हिफाजत करना शुरू कर दें और अपने कानों के अंदर गानों के ज़रिए सुनना ये इसको बंद कर दें और इसी तरह अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें और इन तमाम चीज़ों को इबादत में लगाएं। जब कुरान शरीफ को खोला जाता है मेरी माँ और बहनें, कुरान शरीफ को छूना ये भी सवाब, कुरान शरीफ को पकड़ना ये भी सवाब, कुरान शरीफ का बोसा देना ये भी सवाब, कुरान शरीफ के ऊपर नज़र लगाना ये भी सवाब, कुरान शरीफ को ज़ुबान से पढ़ना ये भी सवाब। अब हम सोचें कि हमारा वक्त मोबाइल से ज़्यादा कुरान में जाता है, कुरान की तिलावत में जाता है कि बजाय कुरान शरीफ के ऊपर अपनी नज़रों को जमाने, अपने दिल को जमाने, अपनी ज़ुबान के ज़रिए कलामुल्लाह की तिलावत करने के बजाय हम अपना वक्त जो है मोबाइल के पीछे ज़ाया कर रहे हैं। कम से कम ये दिल में इरादा करें, ये आज़म करें कि इस रमज़ान के महीने को मुझे मुकम्मल तौर पर इबादत वाला महीना बनाना है और नूर वाला बनाना है, जो मुझे रमज़ान का नूर, रमज़ान की खैर, रमज़ान की बरकत हासिल हो जाएगी किसके ज़रिए, इन इबादतों के ज़रिए, और अल्लाह ताला की एक ख़ास नज़र इनायत मुझ पर पड़ जाएगी कि अल्लाह ताला मुझे रमज़ानी ना बनाए, मुझे रब्बानी बना दे। हमारे बहुत से बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हमें रमज़ानी मुसलमान नहीं बनना है, रब्बानी बनना है। रब्बानी का मतलब यह है कि हर हाल में अल्लाह के हुक्मों को बजा लाना और हर हाल में अल्लाह को खुश करने वाले आमाल करने में अपने आप को लगाना। ये रमज़ान का महीना तरबियत का महीना है, इसके ज़रिए अल्लाह चाहते हैं
کہ ایک مسلمان بندی کی اور ایک مومنہ عورت کی میں زندگی کو بدل دوں، اور جو رمضان کے اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے، جو ولولہ ہوتا ہے، جو جوش ہوتا ہے اس کے اندر عبادت کرنے کا، جو اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کا جو اس کے اندر ایک ولولہ اور جوش ہوتا ہے، وہ اللہ چاہتے ہیں اس رمضان کی تربیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو تادم حیات اور موت تک ایسا ولولہ اور جوش عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میری مار بہنیں، رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا، اور اس کے لیے اللہ سے ابھی سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ، ہماری کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے لیے روزہ رکھ سکے، تو اگر توفیق دے دے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی لیے بہت سے بے توفیق لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے بد نصیب اور محروم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ پاتے بھی اپنی مغفرت کا ذریعہ نہیں بنواتے۔ حدیث شریف کی الفاظ ہے نا، اسی لیے بہت سے محروم لوگ جو ہیں اللہ کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے ایسے دور ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی جو ہے اپنی مغفرت کے اس کو ذریعہ نہیں بناتے، نہ وہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، نہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ تراوی پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت رکھی ہے، اور وہ کیفیت کا نام یہ ہے کہ شیطان تو اللہ تعالیٰ جکڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن جو ہمارا نفس ہے وہ نفس ہمارے قابو میں آ جاتا ہے، اور ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے، جس کی کچھ میں نے مثالیں آپ کو بتائی کہ روزے کی حالت میں انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے، روزے کی حالت میں انسان جو ہے اپنے کانوں کی حفاظت کر لیتا ہے، روزے کی حالت میں انسان جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان میں روزے کی برکت کے ذریعے جو تمہاری تربیت ہوئی ہے، یہی تربیت جو ہے تمہاری پوری زندگی اور پورے سال رہنی چاہیے۔ پھر یہ تمہاری آنکھیں غلط دیکھنا پسند نہ کرے، یہ تمہارے کان غلط سننا پسند نہ کرے، اور یہ تمہاری زبان جو ہے غلط بولنا پسند نہ کرے۔ اس لیے تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے روزے رکھنے کی عادت بنائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ میں ہر سال روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور روزے کی حالت کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی اور کیا کیا خاص عبادتیں ہیں، اس کی ایک خاص خاص عبادتیں یہ ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے ہمیں دوسری ایک چیز جو کرنی ہے وہ تراویح کا اہتمام۔ عام طور پر جو ہے مرد حضرات مسجدوں میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے اندر یہ ماحول نہیں ہوتا ہے کہ وہ تراویح کو پڑھنے کو امپورٹنٹ سمجھے، بلکہ وہ تراویح بہت سی ہماری ماں بہنوں سے، میں نے 2-3 سال پہلے جب مستورات میں حلول میں بیان کیا تھا تو اس کے بعد کارگزاری میں یہ بات سننے کو ملی کہ ہماری بہت سی ماں بہنوں کو تو یہ علم ہے، اور ان کو تو اس طرح کا علم ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تراویح کی عبادت تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو جس طرح ایک بالغ مرد کے لیے تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک اسی طرح ایک بالغ عورت کے لیے بھی تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر جان بوجھ کر ہم نے چھوڑ دیا تو سمجھو کہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اپنے آپ کو تیار کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کی ہمت مانگے، قوت مانگے، اور 20 رکعت تراویح کی نیت سے جو ہے 2-2 رکعت کر کے پڑھے۔ علم ترہ سے لے کر سورہ ناس تک کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو پڑھنا ہے، وہ 10 صورتیں ہیں، تو 10 رکعت میں 10 صورتیں ہو جائے گی، اور دوسری 10 رکعت میں یہ 10 صورتوں کو پڑھا جائے گا، تو یہ 20 رکعتوں میں 2 بار یہ صورتیں پڑھی جائے گی۔ 2-2 رکعت پر سلام پھیر دینا ہے، ہر 2 رکعت پر اس طرح نیت کر لینی ہے کہ اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کی نیت سے یہ تراویح پڑھ رہی ہوں، بس اتنی سی نیت ہے، اس میں زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ تراویح جو ہے سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھ رہے بہت، بس اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے تراویح پڑھ رہی ہوں۔
इस तरह दो दो रकात करके 20 रकात तरावी का एक अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश और फिक्र करें, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रमज़ान के अंदर तो जो है अल्लाह ताला नेकियों के भाव को बढ़ा देते हैं। इसीलिए फरमाया, हदीस शरीफ में बात मिलती है कि नफल नमाजों का और सुन्नत नमाजों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर अल्लाह ताला फरमाते हैं। फिर ये स्कीम हमें रमज़ान के बाद नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको गनीमत समझे कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान अता फरमा दिया। हो सकता है कि आइंदा रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। इसीलिए हज़रत तलहा रदी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है कि हज़रत तलहा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कनाआ के दो शख्स तशरीफ़ लाए और इन दो शख्सों ने इस्लाम को कबूल किया। उसमें से एक शख्स जो है शहीद होकर पहले इंतकाल कर गए, दूसरे शख्स का जो है एक साल के बाद बिस्तरे मर्ग पर यानी बीमारी की हालत में उनका इंतकाल हुआ। हज़रत तलहा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो दूसरे शख्स जो एक साल के बाद जिनका इंतकाल हुआ था और वो भी किसी बीमारी में इनका इंतकाल हुआ, वो शहीद से एक साल के बाद मरे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो जन्नत में पहले हैं। फौरन दूसरे दिन सुबह में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि वो शहीद पहले इंतकाल कर गए थे और शहीद का मर्तबा तो बड़ा होता है और उनके जो दूसरे साथी थे वो तो एक साल के बाद इनका इंतकाल हुआ, लेकिन फिर भी वो जन्नत में पहले चले गए। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है इस बात पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, जिनका बाद में इंतकाल हुआ क्या आपको बताने, उनको पूरा साल मिला, उस एक साल के अंदर उन्होंने कितनी नमाजें पढ़ी होगी, उनको पूरा रमजान का महीना मिला, उसमें उसने रोजे रखे होंगे, कितने कुरान शरीफ की तिलावत की होगी, कितनी नफले पढ़ी होगी, ये इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने इनको पहले जन्नत में दाखला नसीब कर दिया। मेरी माँ और बहनें, इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि अभी अल्लाह ने हमें मौका दिया है और ये रमज़ान का महीना हमारे सामने है, तो इस रमज़ान के महीने को हम गनीमत समझे और आइंदा रमज़ान मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इस रमज़ान की कदर कर ले, एक एक दिन की कदर कर ले और उसको ऐसा निचोड़े और उससे ऐसा इस्तेफादा करे और इतना इससे फ़ायदा हासिल करें कि हमारे लिए यह नजात का जरिया बन जाए, मगफिरत का जरिया बन जाए। इसलिए रमज़ान में रोज़ों को ख़ास तौर पर पाबंदी के साथ रखना और जो हमारी अतराफ़ में और हमारी बस्ती में जो हमारी मस्तूरात और अल्लाह की वो बंदियाँ जिनके पास इल्म नहीं है और वो रोज़े से महरूम रहती है या जानबूझकर रोज़े नहीं रखती, तो उनके पास जाकर दावत का काम करें और बड़े निराले और मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर उनको अल्लाह और उसके रसूल की दीन की बात सुनाकर इनको समझाएँ कि रोज़ा रखना कितनी बड़ी इबादत और कितना बड़ा फरीजा है। यह असल तबलीग है कि हम इनके जरिए उम्मत की उन मां बहनों को यानी आमाल के ऊपर खड़ी कर दे कि वो रोजे रखने वाली बन जाए, तरावी पढ़ने वाली बन जाए अपने घरों के अंदर। जो हमारी माँ बहनें माशाल्लाह अपने घरों के अंदर 20 रकात तरावी से तरावी पढ़ती है, वो दूसरी माँ बहनों को उसकी दावत देकर इनको इसकी तरफ मुतवज्जे करें और इनको भी 20 रकात अपने घरों में तरावी पढ़ने वाली बनाए। जो हमारी माँ बहनें कुरान शरीफ नहीं पढ़ती है, आता है फिर भी, इनको जो है कुरान शरीफ की तरफ मुतवज्जे करें और इनको बताए इस महीने के अंदर तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बजाते खुद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो है दौर सुनाया करते थे, तो हम भी जो है कुरान शरीफ का दौर करें। कितनी बड़ी बड़ी महरूमी और बदकिस्मती की बात है कि पूरा साल जो है अगर हम कुरान शरीफ की तिलावत ना करें। हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम एक दिन भी ऐसा हमारा नागा नहीं होना चाहिए और एक दिन भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसने हमें कुरान शरीफ की तिलावत ना की हो। फिर चे जाए कि हमारे पास रमज़ान का इतना बाबरकत महीना हमको दिया जाए और हम उससे फ़ायदा हासिल न करें और उसमें कुरान शरीफ की तिलावत का अहतमाम न करें। इसलिए रमज़ान और मुबारक में रोज़ों का अहतमाम,
तरावी का अहतमाम और कुरान शरीफ की तिलावत का अहतमाम, और दूसरा जो है उसके अलावा जो नफली इबादतें हैं जैसे तहज्जुद की इबादत। आम तौर पर मर्दों से पहले औरतें जो है सहरी का खाना बनाने के लिए यानी आधी रात को उठ जाया करती है। तो सबसे पहला जो काम है वो मेरी माँ और बहनें इस रमज़ान के अंदर हमारा ये हो कि बजाय रसोड़े में जाने के और किचन में जाने के, पहले अपनी ज़रूरत से फारिग होकर और वुजू बनाकर पहले कम से कम हम दो रकात या चार रकात जो है तहज्जुद की पढ़ें। अगर पूरे साल हम फजर भी नहीं पढ़ सकती, तहज्जुद अगर हमको नसीब नहीं हो सकती, तो रमज़ान के महीने में तो अल्लाह ताला खुद ब खुद हमें सहरी खाने के लिए उठाता है, और वो सहरी खाने का वक्त होता है जो सुबह सादिक से पहले का होता है। हमारे लिए पूरा महीना तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान होता है, सिर्फ हमें ये अपना शेड्यूल बनाना है कि उठने के बाद फौरन पहले जो है हम अपनी ज़रूरत से फारिग होकर वुज़ू बनाकर मुसल्ला बिछा कर पहले तहज्जुद पढ़े, फिर वही वुज़ू की हालत में हम सहरी का खाना तैयार करें। मैं अल्लाह से ऐसी कवी उम्मीद रखता हूँ मेरी मां बहनें कि वो वुजू की हालत में तहज्जुद पढ़ने के बाद जो खाना पकाया जाएगा वो इतना लजीज होगा कि आपके ही हाथों का खाना आपने पूरे साल बनाया होगा, फिर उसमें वो बरकत और वो लज्जत तुम्हें महसूस नहीं होगी जो अल्लाह सहरी के खाने में हमें नसीब कर देगा। और इस खाने की बरकत से हमारे घर वालों के जो निवाले उनके गलों से नीचे उतर कर उनके पेटों में जाएंगे, अल्लाह ताला इनके ज़रिए इनमें हिदायत अता फरमाएंगे। इसलिए एक काम ये करना है। इसी तरह सुबह में फजर की नमाज के बाद जो है सोने के बजाय फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ का तिलावत का अहतमाम करें, जिक्र वगैरह करें, दुरूद शरीफ पढ़े और इशराक का वक्त जाए इशराक पढ़े, फिर 10-11 बजे जो है चाश की नमाज पढ़े, मगरिब के बाद अवाबीन पढ़े। इन तमाम नमाजों का शेड्यूल बनाकर जो है रमज़ान की तमाम वक्तों को और अवकात को जो है इबादत वाला बनाने की कोशिश और फिक्र करें। ये बहुत ज़रूरी है मेरी मार बहन, बहुत ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने को हम जितना हो सके अच्छे से अच्छा बनाने की और इबादत वाला बनाने की फ़िक्र और कोशिश करें, और ख़ुद इसके साथ साथ हर वक्त जो है दुआओं में अपना वक्त लगाएं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बात इरशाद फरमाए, अद्दुआ हियल इबादा, दुआ खुद एक मुस्तकिल इबादत है। बल्कि एक और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मेरा बंदा या बंदी, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरा बंदा या बंदी मुझसे दुआओं के जरिए मांगना छोड़ देता है तो मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ। आज हम अल्लाह को मनाने के लिए हमारे पास ये महीना आया है, इस महीने के अंदर तहज्जुद में अल्लाह से दुआओं का अहतमाम करें। हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा ज़रूर दुआ कबूल होती है, तो हर फर्ज नमाज के बाद दुआओं का अहतमाम करें, तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से दुआओं का अहतमाम करें, इफ्तार के मौके पर दुआओं का अहतमाम करें। मेरी माँ और बहनें, ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वक्त है। रमज़ान और मुबारक को ख़ास तौर पर जो है हम अवकात की कदर करते हुए गुजारने की कोशिश और फिक्र करें। इसके साथ साथ मैं कुछ मसाइल बयान कर दूँ, उसके बाद अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। आम तौर पर जो है मस्तूरात को इस बात का इल्म नहीं होता कि ज़कात जो है वो किन किन चीज़ों पर निकाली जाती है और कितनी निकालनी होती है। जिस तरह रमज़ान में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, इसी तरह जिस मर्द या औरत के पास सोना या चांदी हो उसको उसकी ज़कात निकालना ये एक मुस्तकिल फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते अल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फिद्दत वला युन्फिकून फ़ी सबीलिल्लाह फ़बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना और चांदी का ज़खीरा करते हैं, स्टॉक करते हैं, जमा रखते हैं, फिर उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते यानी उसकी ज़कात नहीं निकालते, तो ये नबी जी आप इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दीजिए। दूसरी जगह अल्लाह कुरान में फरमाते यहुमा युहमा अलैहा फीनारी जहन्नम फतुकुआ बिया जिबाहुम व जुनूबुम व दुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम लि अनफुसिकुम फदूकु मा कुंतुम तकनिज़ून। जो लोग ज़कात नहीं निकालते, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनकी पेशानियों को, इनके पहलुओं को और इनके पीठ वाले हिस्से को कल क़यामत के दिन तपाएँगे और इसके ज़रिए इनको जहन्नम की आग का मज़ा चखाएँगे।
और जहन्नम की आग कैसी और जहन्नम क्या है, मैं थोड़ी सी उसकी तफसील एक हदीस की रोशनी में बतला देता हूँ। अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर जहन्नमियों की जिस्म की जो जो जसात है और उसका उसका जो जिस्म है वो कितना बड़ा होगा, हदीस शरीफ में ये बयान किया गया है कि जहन्नम के अंदर जहन्नमी आदमी का जिस्म का फैलाव इतना बड़ा होगा कि एक आदमी जो है 3 दिन की मसाफत के मुताबिक चले तो वो कितना फासला तय कर सकता है, इतना बड़ा एक जहन्नमी आदमी का जो है जिस्म का फैलाव होगा। फिर ये उसकी जुबान वो इतनी बड़ी होगी कि इस जुबान को एक रिवायत में है कि एक फरसा और एक रिवायत में 2 फरसा, यानी तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी उसकी ये जुबान होगी और वो उसको जहन्नम में घसीटता हुआ चलेगा और लोग उसको रौनते हुए चलेंगे। और इसके ये जो होठ है तो नीचे का होठ नाफ और डूटी तक होगा और ऊपर का होठ आधे सर के ऊपर तक होगा। इतनी बद्दी वहुम फीहा कालिखून, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हम उनकी शक्लों को बिगाड़ के रख देंगे। और ये हमारी हमारे मुंह के अंदर जो डाढ़ है, मेरी मार बहने कितनी छोटी डाढ़ है, लेकिन कल कयामत के दिन जहन्नमी आदमी की ये डाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी, इतना सख्त अजाब होगा। अल्लाह ताला पूरी उम्मत की जहन्नम के अजाब से हिफाजत फरमाए। मेरी मार बहने ज़कात जो है सोने और चांदी पर फर्ज होती है। जिस औरत के पास जितना भी तोला सोना हो, जितनी ग्राम चांदी हो, इन दोनों को मिलाएंगे कीमत के एतबार से कि अभी मार्केट के अंदर हम इसको बेचने जावे तो कितने पैसे आ सकते हैं, तो 1,000 के ऊपर 2,500 रुपये और 1,00,000 के ऊपर 2,500 रुपये ज़कात होती है, 2.5% ज़कात। तो बहुत सी हमारी माँ बहन तो ये समझती है कि उसी जेवरात की ज़कात निकालनी होती है जिनको हमने यूज़ किया हो, इस्तेमाल किया हो, पूरे साल पहना हो, जिसको पहना ही नहीं, बनाया है और उसके तिजोरी में कबाट में रख दिया है तो उसकी तो ज़कात होती ही नहीं है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हम जेवरात का इस्तेमाल करें या ना करें, उसको चाहे पूरे साल हम तिजोरी में रखें या पहने, हर हाल में उन जेवरात की ज़कात निकालनी पड़ती है। इसलिए मेरी मार बहने ज़कात निकालने का भी अहतमाम करें। हाँ, इसका मसला जो है अपने मकामी आलिम मौलाना मोहम्मद साहब से पूछें कि हमारे पास इतना सोना और चांदी है तो हमें कितनी ज़कात निकालनी पड़ेगी। हाँ, आमतौर पर औरतें जो हैं इसकी ज़कात नहीं निकालते। इसी तरीके से जो गहने हमको हमारे वालिदैन की तरफ से मिले हो, शादी के मौके पर मिलो या बाद में मिले हो, और हमको उसका मालिक बना दिया गया है, तो उसकी ज़कात भी उस औरत के ऊपर ही फ़र्ज होती है जो उसकी मालिक है, उसकी ज़कात भी उसी को निकालनी है। इसलिए मेरे मार बहने ये मसाइल जो है ना ज़कात के, उसको भी हम हासिल करें उसका इल्म और उसके मुताबिक अपने जेवरात की ज़कात निकालें। आमतौर पर औरतें जो हैं जेवरात की ज़कात नहीं निकालती है ना, उनको तो पता भी नहीं होता है कि भाई सोने चांदी के जेवरात की भी कुछ ज़कात निकाली जाती है या नहीं, बल्कि हिसाब के साथ गिन गिन के उसकी ज़कात निकाले। हाँ, और इसी तरीके से ये भी याद रखे कि हम हमारी ज़कात का पैसा किनको दें, है ना। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि औरतें ये समझती है कि जो औरत बेवा हो गई तो वो मुस्तहिक हो गई, ऐसा नहीं होता है। मुस्तहिक वो है कि जो 612 ग्राम चांदी की कीमत का मालिक ना हो, यानी जिसके पास आज के ज़माने पे 45,000-45,000 रुपये का जो मालिक न हो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का, वो आदमी मुस्तहिक समझा जाता है, उस आदमी को हम ज़कात की रकम दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम याद रखें कि हम अपनी ज़कात अपने से पैदा होने वाले या हम जिनसे पैदा हुए उनको नहीं दे सकते, यानी जैसे मैं अपनी ज़कात अपने बाप को, अपनी माँ को और इसी तरह अपने दादा दादी को, नाना नानी को नहीं दे सकता, इसी तरह मैं अपनी ज़कात अपनी अपनी बेटी को, बेटों को और इसी तरह अपने नवासों को, नवासियों को, पोतों को, पोतियों को नहीं दे सकता। एक शोहर अपनी बीवी को ज़कात की रकम नहीं दे सकता, एक बीवी अपनी ज़कात की रकम अपने शोहर को नहीं दे सकती। इसके अलावा हमारे जितने रिश्तेदार हैं अगर वो मुस्तहिक है तो हम इनको अपनी ज़कात दे सकते हैं, बेवा अगर मुस्तहिक है तो हम इसको ज़कात दे सकते हैं, लेकिन बेवा के पास खुद बैंक के अंदर 1-2 लाख रुपये पड़े हैं फिर हम सालों से उसी को ज़कात दे रहे हैं तो हम इस तरह उसको ज़कात नहीं दे सकते। ये मसला याद रखे। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में आम तौर पर यह मसला पेश आता है कि हमारी बहुत सी माँ बहनें ये समझती हैं कि अगर रोज़े की हालत में वामिट हो जाए, उल्टी हो जाए तो उससे
रोज़ा टूट जाता है। हालांकि अगर हम डोल भर के भी अगर हम वामिट कर दें तो रोज़े की हालत में वामिट करने से रोज़ा टूटता नहीं है, ये मसला याद रखें। ठीक इसी तरह रोज़े की हालत में अगर बीमारी की वजह से इंजेक्शन लगाने की नौबत आ गई तो भी इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा टूटता नहीं है। इसी तरह रोज़े की हालत में आपको बीमारी की वजह से हॉस्पिटल जाना हुआ और वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आपको रिपोर्ट निकलवाना होगा, ब्लड का, खून का रिपोर्ट निकलना होगा, तो वो लोग खून लेंगे तो ये खून जो निकालते हैं ब्लड निकालते हैं ब्लड रिपोर्ट के लिए, तो उससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। ये चीज़ें हम याद रखें। बहुत सी ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आमतौर पर देहात में और मर्दों को भी मालूम नहीं होती, औरतों को भी मालूम नहीं होती। और इसके अलावा अगर कोई हमें मसाइल पेश आते हैं तो हम हमारे मकामी आलिम मौलाना मोहम्मद साहब से बेझिझक रब्ता करें और उनके ज़रिए उसको मसला पूछें। और इसके बाद एक और बात बयान करके अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। आम तौर पर यह मसला पेश आता है कि कुरान शरीफ की तिलावत को किस तरह किया जाना चाहिए। तो कुरान शरीफ की तिलावत करने के दो दर्जे हैं। एक दर्जा ये है कि इतनी ज़ोर से कुरान शरीफ की तिलावत की जाए कि खुद हमारे कान सुन सके, और अगर ऐसा नहीं पढ़ना है तो दूसरा दर्जा ये है कि कुरान शरीफ की तिलावत इस तरह की जाए कि हमारी ज़ुबान और होठ हरकत करनी चाहिए। जैसे मैं पढ़ के अभी बताता हूँ, तो ये हरकत हुई। अगर इन दोनों दर्जों को छोड़कर अगर कोई औरत सिर्फ अपनी उंगली और नज़रों को सिर्फ कुरान शरीफ की आयतों के ऊपर यूँ घुमाती रहती है, तो अगर इसने पूरा कुरान भी ऐसे पढ़ दिया तो कुरान शरीफ के देखने का तो सवाब मिलेगा लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा नहीं। तो ये मसला भी याद रखे। कुरान शरीफ बख्शने का, कुरान शरीफ ख़त्म हो जाए तो उसको बख्शने का कोई मखसूस तरीका नहीं है। सिर्फ इतनी नियत कर ले, नियत दिल के अंदर ये नियत कर ले कि अल्लाह ये मैंने जो कुरान पढ़ना है तो इसका सवाब फलाने को अता फरमा दे या तमाम मरहूमिन को अता फरमा दे या फलाने फलाने जिसको आप ख़ास तौर पर पेश करना चाहो इसके दिल में इरादा कर ले तो ये आपका बख्शना हो गया। अल्लाह ताला कही सुनी बात पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेते हैं, लेकिन दुआ से पहले एक ऐलान मैं ये भी करना चाहता हूँ। अभी कुछ मुद्दत पहले मैं मेरा यहाँ बयान के लिए आना हुआ था, तो जैसे ये बात पेश आई कि भाई ये हमारा जो माइक है ये भी हम लोग अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले ही हमने भी बसाया है। हमारी बस्ती में जहाँ मदरसा चलता है हालोल में, वहाँ पर भी मस्तूरात में माशाल्लाह बयान वगैरह महीने में 2 मरतबा होता ही है। तो मैं यहाँ हमारी मस्तूरात जो बैठी है उनसे एक मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि ये आपकी सहूलत के लिए है कि ये माइक वगैरह अगर आपके गांव में भी एक हो जावे तो जहां कोई भी यहां मस्तूरात में बयान के लिए आएगा, दीन की बात करने के लिए कोई आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने बात आएगी और बात करने वाले को भी आराम मिलेगा और सहूलत हो जाएगी। इसलिए इस माइक को हासिल करने के लिए और इसका इंतज़ाम करने के लिए ख़ुद हमारी माँ बहनें भी अपनी हैसियत के मुताबिक इसके लिए कुछ ना कुछ रकम की जो है हिम्मत करें और राह खुदा में इसको लिखाए ताकि ये माइक का जो सिस्टम है वो आपके यहाँ भी हासिल हो जाए। इससे इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इससे बहुत से फ़ायदे होंगे और जहाँ भी दीन के कामों में इसका यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, उन तमाम का सवाब आपको मिलेगा और आपके लिए सदक़े जारिया बनेगा। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين یا الہ العالمین ہمارے آج کی اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ دین کی نسبت پر جمع ہونا ہوا ہے، یا اللہ دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا آسان فرما، تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تو راضی ہو جائے، تیرے محبوب راضی ہو جائے، یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے پڑوسیوں کی، محلے والوں کی اور اس چاپانر
بستی میں بسنے والے تمام لوگوں کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، تمام کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، جو انتقال فرما گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما، اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری یہاں جتنی بھی مستورات بیٹھی ہے یا اللہ ایک گھنٹے سے اوپر سے بیٹھی ہے، یا اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا آخرت میں نصیب فرما، یا اللہ ان کو ہمت قوت عطا فرما، یا اللہ ان کو تندرستی عطا فرما، یا اللہ دین پر، یا اللہ دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما، یا اللہ ہماری ان ماں بہنوں میں جو بیمار ہو ان کو شفا تندرستی عطا فرما، اے رب کریم، کل ہی لقمان بھائی کا فون تھا، یا اللہ ان کے گھر سے جو ہے کافی جو ہے کافی ساری بیماری میں مبتلا ہے اور ان کو کافی ساری تکلیفیں ہیں، یا اللہ ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما، یا اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اسی طرح ہماری اس چابانیر کی بستی میں جتنے بھی مریض اور بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، تمام کو تندرستی عطا فرما، اے رب کریم امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری اس چاپانیر کی بستی میں مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کو آباد فرما، یا اللہ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کو ہدایت کاملہ نصیب فرما، اے رب کریم ہر گھر کے اندر ہدایت کے چراغ کو روشن اور منور فرما، اے رب کریم اس گھر کے تمام لوگوں کو 100% دین پر چلنا آسان فرما، ہم مستورات کو یا اللہ گھروں کے اندر روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف کی روزانہ تلاوت کرنے کا اہتمام اور اس کا ذوق اور شوق نصیب فرما، یا اللہ اس بستی کے اندر حافظ اور عالم اور دین کے داعی پیدا فرما، یا اللہ ہمارے مولانا محمد صاحب کی بڑی قربانی اور محنت ہے، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اور اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا آخرت میں عطا فرما، اے رب کریم دین کی نسبت پر کہاں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر یہاں اس دیہات میں آئے ہیں، یا اللہ ان کی بڑی قربانی ہے، بڑی جد و جہد ہے، گاؤں والوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ والہانہ محبت والا تعلق کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ان کی اس قربانی کو قبول فرما، یا اللہ ان کے والدین کے لیے ہدایت اور ان کے والدین کے لیے یا اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ ان کی گھر والی اور اہلیہ کی بھی بڑی قربانی ہے، یا اللہ ان کی قربانی کو بھی قبول فرما، یا اللہ ان کا یہاں رہنا قبول فرما، ان کے ذریعے یہاں مستورات میں جو دین پھیل رہا ہے یا اللہ اس کو بھی قبول فرما، اے رب کریم یہاں ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسے میں ہمارے ننھے منے بہت سے بچے جو ہیں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان تمام بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما، اس بستی کے لیے ہدایت اور دین کی اشاعت اور پھیلنے کا ذریعہ بنا، انہی پڑھنے والے بچوں میں حافظ اور عالم دین کے داعی پیدا فرما، یا اللہ ان کے والدین کو اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کی فکر نصیب فرما اور ہمت اور قوت عطا فرما، یا اللہ رمضان کی نسبت پر یہاں جمع ہونا ہوا ہے، رمضان کی خیر اور بلائی امت کو نصیب فرما، رمضان ہمیں نصیب فرما، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحے کو عبادتوں میں اور تجھے راضی کرنے والے اعمال میں لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، سلامتی کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ رمضان میں روزے رکھنا آسان فرما، روزے رکھنے کی طاقت اور قوت اور ہمت عطا فرما، یا اللہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، یا اللہ وہ تقوی اور پرہیزگاری ہمیں نصیب فرما، یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح پڑھنا آسان فرما، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرنا آسان فرما، تہجد پڑھنا آسان فرما، اے رب کریم ہماری مستورات کو رمضان کے اندر کام کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، یا اللہ یہ جتنی بھی اپنے گھر والوں کے لیے خدمتیں کرتی ہے ان تمام خدمتوں کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں یا اللہ مستورات کا اپنے گھر والوں کے لیے خدمت کرنا اور ان کے لیے تمام تر سہولیات کا مہیا کرنا اس کے لیے جی جان لگا دیتی ہے، یا اللہ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما اور اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا آخرت میں عطا فرما، اے رب کریم یا اللہ تمام اولادوں کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی اور عزت کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم یہاں ہمارے چاپانیر میں جتنی بھی مستورات ہے تمام کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نوجوان ماں بہنوں کو برقعہ اور پردہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم تمام کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما، ہماری اس بستی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تمام کے کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرما، تمام کے کاروبار میں یا اللہ خوب برکت عطا فرما، برکت والی رحمت والی روزی ہر ایک کو نصیب فرما،
फरमा। या अल्लाह हमारे मस्तूरात में यहाँ जो भी बैठी है और जिनकी जो भी परेशानी है, अल्लाह उन परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह इनकी जो जो मुराद है अल्लाह उसे पूरी फरमा। या अल्लाह मौत से पहले पहले हम तमाम को हरमैन शरीफेन की हाजिरी की सआदत से मालामाल फरमा। काबतुल्ला का दीदार और हजरत अस्वद का दीदार, हतीम का दीदार और वहाँ पर नमाज पढ़ना, तवाफ करना, सफ़ा मरवा की सही करना, ये तमाम चीज़ें हमें मौत से पहले पहले एक मरतबा ज़रूर नसीब फरमा। मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमा। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना, या अल्लाह रोज़े अक़दस पर हाजिरी, रोज़े अक़दस पर सलात व सलाम पढ़ना नसीब फरमा। अल्लाह मुकद्दर में हो तो जन्नतुल बकी की मौत नसीब फरमा। ए रब्बे करीम, रमज़ान को जैसा वसूल करना चाहे ऐसे वसूल करने की ताकत, हिम्मत और रगबत और शौक़ नसीब फरमा। अल्लाह हमने जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो रह गया वो भी अपनी शान निशान नसीब फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा व अहलुहु समिअना व अतअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिक या अरहमर। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए।